पीसेस का जो पिछली बार प्रीलिम्स हुआ था उसका हम पेपर देख रहे थे, पहला पार्ट देख लिया था, 32 क्वेश्चन देख लिए थे, और ये दूसरा पार्ट है इसका। GS1 का पेपर है, GS1 पेपर का फुल सोल्यूशन है, और ये जो भी आंसर की है इसकी, और इसमें 32 देख चुके, 33 है लैंड सेट डेटा, अगर एरिया का रिशिफ्ट किया है तो डेटा दूसरे जो एडजेसेंट एरिया है वो अवेलेबल कब होगा, वो होगा आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज एट ए सेम लोकल टाइम। ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं हिमालयन रेंज के, और इसमें साउथ से नॉर्थ आपको फाइंड करने हैं। देखिए याद रखिएगा, एक ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको, KLZPD यानी कि कराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, फिर पीर पंजाल रेंज, और फिर धौलाधार, ये नॉर्थ से लेके साउथ तक हैं। इनको आप याद रखने की ट्रिक याद रखिएगा, एक बस वर्ड का याद रख लीजिए, KLZPD, ऐसे छोटे छोटे ये आप शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी ज्योग्राफी में भी कई सारी चीज़ों को रटने में, नॉर्थ से साउथ वाले। अब इसमें देख लिए साउथ से नॉर्थ, तो सबसे साउथ में कौन सा होगा, धौलाधार होगा, तो सेकंड होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद कौन सा होगा, ये धौलाधार के बाद आएगा जास्कर यानी कि 1 होगा, फिर होगा लद्दाख, और फिर होगा कराकोरम, तो 2, 1, 3, 4 होगा, ए आंसर होगा इसका। फिर मोस्ट अबंडेंट गैस जो कि एमिट होती है वॉल्केनो के बाद, वो है वाटर वेपर। देखिए मोस्ट अबंडेंट गैस रिलीज फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस इज वाटर वेपर, लेकिन और भी कई सारी गैसेस निकलती हैं जब वॉल्केनो आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये सब गैसेज भी निकलती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी है, वो है वाटर वेपर, 35 का ए है। 36 में पूछ रहा है कौन सी ट्राइब्स और नेटिव स्टेट करेक्टली मैच्ड हैं, वो है ये मुंडा बिहार में, मुंडा बिहार में, और राजस्थान, ये सॉरी झारखंड के आसपास, नहीं ये गलत है, सॉरी मुंडा झारखंड में होगी, इसका आंसर होगा ए, थारू जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है, 36 का होगा ए, मुंडा तो ये झारखंड के आसपास है ये। 37 में द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रेट लेक्स ऑफ द यूएसए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ग्रेट लेक्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको सिर्फ ये याद रखना हो कि पांच ग्रेट ग्रेट लेक्स हैं कौन सी, तो HOMES, होम्स याद रखिएगा बस, होम्स में पहला पहला वर्ड जैसे एच से हो जाएगा उरॉन, फिर ओ से हो जाएगा ओंटारियो, फिर एम से हो जाएगा मिशिगन, ई से एरी, एस से हो जाएगा सुपीरियर, तो ये पांच लेक्स हैं जिनको कि ग्रेट लेक बोला जाता है। इसमें से जो चार लेक हैं जैसे कि सुपीरियर लेक, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी और लेक ओंटारियो, ये चारों में जो बॉर्डर है वो यूएस और कनाडा दोनों से शेयर करती हैं, मतलब लेक सुपीरियर भी शेयर करती है यूएस और कनाडा से, लेक ह्यूरॉन भी, लेक एरी भी, और लेक ओंटारियो भी, लेकिन लेक मिचिगन ऐसी लेक है, मिशिगन ऐसी लेक है जो कंप्लीटली इनसाइड है यूएसए, मतलब लेक जो मिशिगन है वो कंप्लीटली यूएसए के अंदर है, तो आप इसको याद रखिएगा। और वही इसमें पूछा है, तो इसमें ईस्ट से वेस्ट अगर देखेंगे तो ओंटारियो, फिर एरी, फिर यूरोन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर, तो सी आंसर होगा इसमें। 38 कैनेडियन जो पैसिफिक रेलवे कहाँ से कहाँ तक जाती है, मॉन्ट्रियल से लेके वैंकूवर तक, बी आंसर होगा। 39 में आपको कुछ ये करंट दिए हुए हैं, ये वार्म करंट और ये सब, लोकेशन इनकी पूछिए, गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट होता है, तो ए का होगा फोर्थ। पेरू करंट ही पैसिफिक ओशियन में आता है, ये डी का होगा, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये कहाँ पे है, ये है स्लो ईस्ट वर्ड मूवमेंट होगा, तो ये आप इसमें देखेंगे तो आंसर आएगा, इसमें ये आंसर आएगा यानी कि 4, 2, 1, 3, तो ये गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट, फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज ए, नहीं ये वेस्ट, ये बी वाला होगा, इसमें बी होगा, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज अ स्लो ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर द जोन्स ऑफ वेस्टर्ली विंड, और फिर पेरू करंट होगा पैसिफिक ओशियन में, और डी होगा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये होगा इंडियन ओशियन में, हाँ तो डी होगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो वन ऑर्न्ड राइनोसर्स के लिए फेमस है, असम में है ये, 40 का होगा ए। 41 आसवान जो डैम है इजिप्ट में है ये, तो 41 का होगा बी। 42 रोबस्टा एक कॉफी की वैरायटी होती है, अफ्रीका में पाई ये प्रोड्यूस की जाती है, 42 का होगा बी। 43
43 में व्हाट कॉजेज द चेंज ऑफ सीजंस, इसमें होगा अर्थ जो का जो रिवॉल्यूशन होता है एंड जो इंक्लिनेशन होती है उस अर्थ की एक एक्सिस के अराउंड, तो ये दोनों मिला के जो है ये चेंज ऑफ सीजन के रीजन है, तो इसका होगा सी। इस पे से पूछ रहा है कौन सी रॉक के पास फॉसिल्स नहीं होंगे, वो ग्रेनाइट होगी क्योंकि ग्रेनाइट होती है इग्नियस रॉक, और जो भी फॉसिल्स होते हैं वो सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो जैसे शेल है या सैंड स्टोन है। तो 44 का होगा बी। 55 है विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाई क्लाइमेट, तो वो होगी फार्मिंग, फार्मिंग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगी क्लाइमेट चेंज से। 56 है मोस्ट कॉमन एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग के लिए, जो मोस्ट कॉमन एरियाज है वो ड्राई एरियाज, नोमैडिक हर्डिंग या फिर इसको नोमैडिक पैस्टोरिज्म भी बोलते हैं, एक प्रैक्टिस होती है जिसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस लोग मूव करते हैं इन सर्च ऑफ पैस्चर, जो भी उनकी कैटल होती है उसके साथ मूव करते हैं इन सर्च ऑफ पैस्चर, कई बार वो अपने एनिमल्स को भी बेच देते हैं उस प्रोडक्ट ले कि जो वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और वो अपने जो भी एनिमल्स हैं उन पर फूड के लिए भी डिपेंडेंट रहते हैं, तो नोमैडिक हर्डिंग ये सब है। 46 का होगा डी। 47 है लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इज अप्लाइड ऑन स्मॉल साइज होल्डिंग अंडर द सिस्टम ऑफ, ये ओरिएंटल फार्मिंग है, जितनी भी ये एशिया में जो फार्मिंग होती है, ओरिएंटल जो वर्ड है वो एशिया ईस्ट एशिया के लिए यूज़ करते हैं, तो वही इंडिया में भी जैसे है कि लार्ज अमाउंट लगा देते हैं लेबर में, जितने भी फैमिली के लोग हैं सब लगे रहते हैं एक छोटे से होल्डिंग में, जो छोटे से फार्म लैंड में, तो वो ओरिएंटल फार्मिंग है ये, तो इसका होगा बी। चिनूक एक हॉट विंड होता है और ये जाड़े में आता है विंटर के टाइम पे, जब आता है ये यूएस में चलता है तो ये जो टेम्परेचर है विंटर का वो बढ़ जाता है, तो 48 का ए होगा। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड है ये बांटू सहारा है, बांटू सा ये जो है सहारा ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। 50 है विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन, ये आयनोस्फेयर को करते हैं यूज, सबसे ऊपर होती है, अगर आप नीचे से देखेंगे तो सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर उसके ऊपर होती है ये आइनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर होती है फाइनली। ये ट्रोपोस्फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जितने भी क्लाइमेट और वेदर वाले फिनोमिना होते हैं यहीं पे होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है, मीजोस्फीयर में जो मेट्रोइड होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, तो ये कुछ कुछ आपको फैक्ट याद रखने चाहिए। 50 का होगा डी, ये आयोनाइज होती है, इस आयोनाइज आयन के लिए होते हैं ये, तो 50 का डी है। 51 है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये किस फॉर्म में होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसका एस्टिमेट, ये डिमांड फॉर ग्रांट डी होगा। 52 है द रेवेन्यू सेटलमेंट बाय द बजट होता है, वो कौन प्रिपेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, 52 का डी। बजट किसका इंस्ट्रूमेंट होता है, फिस्कल पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो जैसे आरबीआई करता है, और बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 54 है कि कोई भी बिल जो जिसमें भी टैक्स इम्पोज किया जा रहा है वो लेजिस्लेटर में या फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सक जा सकता है बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के, तो ये किस आर्टिकल में बोला गया है, ये बोला गया आर्टिकल 117 में, 117, तो आप इसको याद रखिएगा ज़रूर कि कोई भी जो मनी बिल है, जैसे ये जो भी टैक्स इम्पोज करने वाला बिल है, वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही, पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन ली जाती है फिर उसके बाद लेजिस्लेटर में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, अगर किसी बिल में टैक्स इम्पोज करना है, तो ये 117 आर्टिकल में है। 55 मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द स्टेट प्रोविडेंट फंड, जो प्रोविडेंट फंड में पैसा आता है वो पब्लिक अकाउंट में जाता है, तो ये डी होगा इसका। 56 द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द ऑडिट ऑफ द बजट, ये ऑडिट ऑफ द बजट किसके थ्रू कंट्रोल करती है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, 56 का बी है। 57 में इंडिया में सीट्स रिजर्व होती हैं वुमेन के लिए, कहाँ पे, पंचायती राज बॉडीज में 50% तो होती हैं, और कई सारे स्टेट में तो 50% से ज़्यादा भी देते हैं, इसमें SC ST वाली को मिला के होती हैं, तो 57 का होगा ए। 58 है कि नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूट के बनी थी NCP, जिसके कि ये अध्यक्ष हैं शरद पवार, तो ये कांग्रेस पार्टी से होगा। 58 का होगा बी।